ये क्या फायदा लाएगी? देखिए, भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की, और इस अध्यक्षता को भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है कि हम भारत की विशेषताओं से पूरी देश दुनिया को अवगत कराएं। तो सबको अवगत कराने का विषय है, और जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों का जीवन शैली थी, वो भी हम सबको बताएं, क्योंकि उसके बारे में भी लोगों को पूरा पूर्ण विचार नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय खुद भी पहले इन सब चीज़ों से अपने शुद्धिकरण, अंतःकरण का शुद्धिकरण करके अपने विचारों को सुदृढ़ करें, और एक विचार को लेकर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करके खुद सीखें, और फिर दुनिया को उस विचार को आगे लेकर जाएं। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए अमृत काल के रूप में काम होंगे, उसमें भारत अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, बशर्ते हम सब लोग सही काम करें और अपने इतिहास से गौरवान्वित होकर, अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर आने वाली सीढ़ी को पकड़ें। और आने वाली सीढ़ी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो। और देश दुनिया को भी जब हम बात करते हैं, आज की तारीख में लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और सृष्टि दोनों के सम्मेलन से हमारी भारतीय संस्कृति का उत्पन्न किया, और उस भारतीय संस्कृति को जब उत्पन्न किया, वो हमारे एक-एक पत्थर और एक-एक कण-कण में दिखाई देती है। उस कण-कण को अगर भारतीय परंपराएं खुद अपने आप को जीवित नहीं रखेंगी तो देश दुनिया को क्या बताएंगी? तो समय है कि भारतीय अपनी परंपराओं से सीखकर, अपनी परंपराओं के विचार सुदृढ़ कर, उसको अपने कर्तव्य के रूप में, कार्य के रूप में आगे लेकर बढ़े, तब आने वाले जो 25 वर्ष है भारत के लिए अमृत काल का शुभ संदेश लेकर आज आप आएंगे। खुद खुद आप समझा रहे थे, आप देख रहे थे कि समझा रहे थे G20 के जो मेंबर्स हैं लोग आए, और यह कि इतना बड़ा टेम्पल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ईस्टर्न इंडिया का एक ही वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, क्या उनको समझाए और क्या उनका फीडबैक लिया आपने? मैं उनको ये बता रही थी कि हमारे यहाँ पर धर्म और विज्ञान का अंतर नहीं था, और हमारे जो धार्मिक स्थल थे वो शिक्षा दीक्षा का भी स्थान होते थे, जैसे कि वो नाट्य मंडप है, तो उस नाट्य मंडप में हम नृत्य के माध्यम से अपने जो विचार हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते थे। और संगीत, मैं नाट्य शास्त्र का एक श्लोक का एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ, गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीतम उच्यते, यानी गीत वाद्य यंत्र और नृत्य जो है उसको हम संगीत कहते हैं, और संगीत हमारा एक माध्यम था अपने विचारों को प्रकट करने का। तो जब आप मंदिर की दीवारों पर ओडिसी नृत्य की एक चित्रण देखते हैं, एक मूर्तियों के रूप में, और आप सामने देखते हैं एक परफॉर्मिंग आर्ट का ऑडिटोरियम जैसे बनाया हुआ, और आप देखते हैं कि ये जगह असलियत में सूर्य का मंदिर थी, तो जहाँ पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इक्विनॉक्स और साल दर साल क्या होगा, अगला साल कब होगा, किस तारीख को क्या तिथि होगी, ये सब का ज्ञान भी यहाँ मिलता था। तो ये ज्ञान का क्षेत्र था, और इतनी सुंदर कलाकृति पत्थरों पर उकेरने का जो काम किया, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, इतना वजन ढोने के लिए किस प्रकार का वजन चाहिए, कैसे उसकी ताकत बढ़ानी होगी, किस तरीके के पत्थरों का निर्माण शैली क्या रही होगी, वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि हमारे पूर्वज विज्ञान को नहीं जानते थे। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे लिए ज्ञान में अंतर नहीं था कि ये आर्ट और क्राफ्ट है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी है। विदेशी भी इंस्पायर होंगे इससे। बहुत ज्यादा वो सब तो कई चीजों में उनकी समझ, हमको अपने आप को समझाना ज्यादा जरूरी है, उनकी समझ कई क्षेत्रों में हमारे से अधिक परिपक्व है, और समय है कि भारत अपनी समझ से अपने आप को परिपक्व करे, और देश दुनिया आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद।